नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। एक बार फिर से वक्त हो चला है कि आप, मैं, हम सब सियासी गलियारे में कुछ वक्त बिताएं और जाने कि हरियाणा के सियासत में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और किस कदर वहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सियासी गलियारे की। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले बात बीजेपी और कांग्रेस की करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों ने जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क साधने का खाका बना लिया है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई है तो कांग्रेस ने भी विधायकों को कमान सौंप दी है। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में विकास वर्सेस विकास, बन गया पार्टियों का पक्का प्लान, अब धरती पर दिखेगी रणनीति। बड़ौदा में दम दिखाएंगे सियासी दल। बड़ौदा उपचुनाव की बिसात अब बीत चुकी है। पार्टियों की जमीनी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। बीजेपी और जेजेपी हो या फिर कांग्रेस के अलावा कोई भी दल, सभी दंगल में दम दिखाने को आतुर हैं। यानी अब साफ है कि उपचुनाव पूरे दमदार तरीके से लड़ा जाएगा। चुनावी रणनीति का प्रचारी खाका तैयार किया जा चुका है। बीजेपी और कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। जीत की तर्ज पर उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। मंत्रियों और विधायकों के हाथ बड़ौदा। बीजेपी की बात करें तो बैठक में तय हुआ कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जींद उपचुनाव वाली रणनीति अपनाएगी। ये उपचुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। साथ ही मीटिंग में कांग्रेस के राज में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दों को सार्वजनिक करते हुए बड़ौदा की जनता को बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार में साझेदार होने के लिए प्रेरित करने की रणनीति भी बनी है। बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने अपने सुझाव रखे। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा में जींद उपचुनाव की तर्ज पर बीजेपी और मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाय इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तर उत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस ने बनाई जमीनी स्तर की रणनीति। कांग्रेस ने कराई बड़ौदा के गाँव की मैपिंग। एक विधायक को 2 गांव सौंपेगी कांग्रेस। घर घर जाकर संपर्क साधने का प्लान। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी बड़ौदा का पक्का प्लान तैयार हो चुका है। उपचुनाव को लेकर पार्टी ने बाकायदा गांवों की मैपिंग की है। पार्टी के सभी विधायकों को 2-2 गांव सौंपे गए हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार की विफलताओं पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस राज के दौरान हल्के में कराए गए विकास कार्य बताएगी। कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधेगी। सभी साथियों का ये विचार था, ये फैसला किया गया कि हर घर तक पहुंचना है इस सरकार की विफलताएं बताने के लिए और जो हमारी सरकार थी उसकी उपलब्धि बताने के लिए। बड़ौदा का सियासी दंगल तैयार। दंगल में पहलवानों का इंतजार। पार्टियों की प्लानिंग से समझा जा सकता है कि बड़ौदा उपचुनाव कितना रोचक होने वाला है। पार्टियां जमीन पर उतर चुकी हैं, रणनीति तैयार हो चुकी है, क्योंकि सियासी दंगल है तैयार। बिगुल बजने का और दंगल के पहलवानों का है इंतजार। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव की परीक्षा होने से पहले ये जो असल में दंगल देखने को मिलता है, जहां पर शब्दों के वार देखने को मिलते हैं, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प होता है। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। दोनों दल खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, हर घर तक पहुंचना है इस सरकार की विफलताएं बताने के लिए और जो हमारी सरकार थी उसकी
उपलब्धि बताने की। देखिए हुड्डा साहब अपनी जमानत पर चुनाव लोगों के सामने है कि 4 साल इस सरकार के हैं और इस सरकार से विकास कराना बड़ौदा के लोगों का लक्ष्य है। वो मारे थारे के नारे से छिक लिए, मैं थारा तम भारे, करया कुछ नहीं, बड़ौदा को पिछाड़ कर रख दिया, ये बात लोगों को समझ में आ गई है और लोग अब जो है विकास के साथ चलेंगे, काम के साथ चलेंगे। चुनाव में किसान किसकी तरफ, जीत लगभग लगभग उसकी तरफ ये मानकर चला जाता है। तो किसानों के लिए केंद्र की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेश पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी बताया है और कहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए ये लाभदायक नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने अध्यादेश को लाभदायक बताया। जहां तक इन अध्यादेश का मामला सवाल है, पंजाब और हरियाणा जो देश का पेट पालते हैं, इनके किसान को लाभ नहीं मिलने वाला। जो MSP की बात है, मंडी में तो जो लाएगा उसको तो MSP इनको देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ये कह रहे हैं बाहर भी कोई खरीद सकता है, कोई भी मंडी बड़ी मंडी चला सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो कहीं MSP का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब कहीं कंपनी वाला का और किसान का मतभेद हो जाए तो किसान तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, वो तो SDM और DC के उसमें डिपेंड हो जाएगा। तो ये बात है, इसमें किसान का लाभ होने वाला नहीं है। क्या हुड्डा साहब किसान अपना माल डायरेक्ट बेच ले हुए ट्रॉली भर के इसके खिलाफ है? क्या कोई बड़ी कंपनी रिलायंस फ्रेश जैसा आदमी, कोई बिग बाजार जैसा आदमी, कोई बिग बास्केट वाला मेरे खेत में आ जाए और मेरे से कहे मैं छह तेरी सारी गाजर ले लूंगा तो क्या ये गलत है? मेरे टमाटर खरीद ले अच्छे दाम पे तो क्या गलत है? इसके अलावा कांग्रेस ने बेरोजगारी और फसल खरीद को लेकर सरकार पर प्रहार किया, तो उधर BJP ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। आज किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग इससे परेशान है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज अपराध और बेरोजगारी भी 1 हो गया। आज आपको पता किसान की तो हालत यह है कि गन्ने की पेमेंट भी नहीं हुई है, गेहूं की खरीद हुई तो 1-1 महीना लेट हुई, उसका ब्याज कोई नहीं दिया। 10 साल का टाइम था तो ना बाजरा खरीदते थे ना सरसों खरीदते थे, डंके की चोट पर सरकार ने हर साल 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम तय होने के बाद 1-1 दाना सरसों और बाजरे का खरीदा है, वो कभी भी नहीं कर पाए थे। जोखिम फ्री किया है किसानों को। हरियाणा BJP के संगठन का विस्तार हो सकता है, जिसमें गैर जाट या फिर उपेक्षित नेताओं को खासा महत्व दिया जा सकता है, यानी ऐसे नेताओं को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ौदा उपचुनाव में विकास वर्सेस विकास, बन गया पार्टियों का पक्का प्लान, अब धरती पर दिखेगी रणनीति। बड़ौदा में दम दिखाएंगे सियासी दल। बड़ौदा उपचुनाव की बिसात अब बीत चुकी है, पार्टियों की जमीनी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। BJP और JJP हो या फिर कांग्रेस के अलावा कोई भी दल, सभी दंगल में दम दिखाने को आतुर है। यानी अब साफ है कि उपचुनाव पूरे दमदार तरीके से लड़ा जाएगा। चुनावी रणनीति का प्रचारी खाका तैयार किया जा चुका है। BJP और कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। जीत की तर्ज पर उपचुनाव लड़ेगी BJP। मंत्रियों और विधायकों के हाथ बड़ौदा। BJP की बात करें तो बैठक में तय हुआ कि बड़ौदा उपचुनाव में BJP जींद उपचुनाव वाली रणनीति अपनाएगी। ये उपचुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। साथ ही मीटिंग में कांग्रेस के राज में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दों को सार्वजनिक करते हुए बड़ौदा की जनता को BJP JJP गठबंधन की सरकार में साझेदार होने के लिए प्रेरित करने की रणनीति भी बनी है। बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने अपने सुझाव रखे। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा में जींद उपचुनाव की तर्ज पर BJP और मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाय इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस ने बनाई जमीनी स्तर की रणनीति। कांग्रेस ने कराई बड़ौदा के गांव की मैपिंग। एक विधायक को 2 गांव सौंपेगी कांग्रेस। घर घर जाकर संपर्क साधने का प्लान।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी बड़ौदा का पक्का प्लान तैयार हो चुका है। उपचुनाव को लेकर पार्टी ने बाकायदा गांवों की मैपिंग की है। पार्टी के सभी विधायकों को दो दो गांव सौंपे गए हैं। कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार की विफलताओं पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस राज के दौरान हल्के में कराए गए विकास कार्य बताएगी। कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधेगी। सभी के साथियों का ये विचार था, ये फैसला किया गया कि हर घर तक पहुंचना है इस सरकार की विफलताएं बताने के लिए और जो हमारी सरकार थी उसकी उपलब्धि बताने के लिए। बड़ौदा का सियासी दंगल तैयार। जी हाँ, तो दंगल तो तैयार है, लेकिन किस तरीके से अपने अपने कुनबे को मजबूत किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जरा देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को कैसे मजबूत करेगी। संगठन का विस्तार कर सकती है बीजेपी। गैर जाट नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी की संभावना। हरियाणा बीजेपी संगठन में सम्मान के कयास। हरियाणा बीजेपी की प्रधान सीट पर फिर से जाट नेता को बैठाने के बाद अब बीजेपी अपने संगठन को और मजबूती दे सकती है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की नियुक्ति को बड़ौदा उपचुनाव से अलग संगठन की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। अब पार्टी में सालों से जुड़े गैर जाट और उपेक्षित नेताओं को सकारात्मक पहलू के साथ सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि कयास है कि बीजेपी अपने संगठन का विस्तार कर सकती है। चर्चा तो ये भी थी कि इस बार गैर जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या है ओपी धनखड़ को कमान का आधार? पार्टी में किन किन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी? कुछ नेताओं को मिल सकता है खास महत्व। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू से ही इस बात पर चर्चा चल रही थी कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान ऐसे नेता को मिलनी चाहिए जो पार्टी को आगे लेकर जा सके, पार्टी को मेहनत करके सींच सके और सरकार से अलग संगठन को मजबूती दे सके। जो नेता पार्टी की मुख्यधारा से अलग हो गए हैं उन्हें वापस ला सके। इतना भार उठाने का दम पार्टी को धनखड़ के कंधों पर नजर आया और राजनीति में अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाले ओपी धनखड़ के नाम पर मुहर लग गई। लेकिन अब संगठन में विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। गैर जाट नेताओं के अलावा उपेक्षित नेताओं को ध्यान में रखकर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। धनखड़ पार्टी के लिए कितने सार्थक? हरियाणा बीजेपी को सींचेंगे धनखड़? सबको साथ साथ लाएंगे ओपी धनखड़? संगठन में क्या बदलाव होगा? किसको जिम्मेदारी मिलेगी? कब विस्तार किया जा सकता है? ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन अब बीजेपी उन नेताओं की तरफ भी ध्यान दे सकती है जो विधानसभा चुनाव 2019 में टिकट कटने से पार्टी से नाराज थे, या यूं कहें कि मनमुटाव हो गया था। इतना ही नहीं, पार्टी का उन पर भी पूरा फोकस होगा जिनको विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, क्योंकि धनखड़ को कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्हीं में से कुछ नेताओं ने धनखड़ को बधाई भी दी है, जो पार्टी लाइन से कहीं ना कहीं हटते जा रहे थे, या ये कहा जाए कि पार्टी के किसी भी कार्यों में गैर हाजिर रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत जग जाहिर है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत लगातार चलती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है,
सुप्रीम कोर्ट का मानस ये जरूर है कि आपस में बैठ करके कोई इसका रास्ता निकले, लेकिन हमने एक बात कह दी कि आपस में बैठे न बैठे वो एक अलग विषय, हमारा पानी का शेयर ही हमको जरूर मिलना चाहिए। अब उस पानी के शेयर में ये हो सकता है कि एसवाइल जब तक नहीं बनती है तब तक मान लो हाँसी बुटाना का है और रास्ता वो खुल जाए, कुछ उसमें से मिल जाए, बाद में हाँसी बुटाना बनने के बाद फिर हमको मिले। उसमें राजस्थान को भी जैसे पानी की आवश्यकता है, वो कहते हैं भाखड़ा मेन लाइन से हमको पानी मिलना चाहिए। अब भाखड़ा मेन लाइन में अगर उनको पानी देते हैं तो पानी हमारा और कम होगा, इसलिए अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन तो डीएमएल ये एसवाईएल ही है। एसवाईएल बनने के बाद कई समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर पंजाब के साथ बैठ के बात करता है, मैं भी 10 साल रहा हूँ तो ये फैसला ही नहीं होता हमारा। बैठ के बात करने का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बात फैसला कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट कराओ। पंजाब सरकार की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी किया। हाँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो करो। प्रधानमंत्री आए थे तो हम लोगों के लिए इलेक्शन ईयर है और शायद जो हमारी बहुत संबंधित मांग है उससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक है। कहीं किसान की मूर्ति का अनावरण करने आए हुए प्रधानमंत्री ये कहते थे जाएंगे कि एसवाईएल का नहर का निर्माण हम जल्दी से, लेकिन उन्होंने किसानों की मूर्ति का पानी फेरने का किया। हर पार्टी का बयान और बयान में सिर्फ एसवाईएल बना देने का दावा, लेकिन हकीकत ये है कि मसला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इससे इतर सियासी गलियारे में आज इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश की राजधानी से 215 किलोमीटर दूर बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और इसीलिए इस पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। इस मसले पर खुद को एसवाईएल का पैरोकार कहने वाले इनेलो ने फिर से बयान दिया है, लेकिन हम तब तक इस लड़ाई को जोर शोर से लड़ेंगे जब तक ये फैसला पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाएगा और हमें हमारा हक का पानी नहीं मिल जाएगा। खैर, आप तैयार रहिए, एसवाईएल का जिन फिर से बाहर निकलने वाला है और सियासी गलियारे में हम आपको इसका हर अपडेट देते रहेंगे क्योंकि अक्सर चुनाव में एसवाईएल का मुद्दा गूंजता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा के 3 में से 2 निर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ग्रहण कर ली है। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी की तरफ से रामचंद्र जांगड़ा ने शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा के 3 राज्यसभा सांसदों को मार्च के महीने में राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित किया गया था। तो वहीं शपथ लेने के बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की। हरियाणा से बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आज राज्यसभा में शपथ ली है। बात करते हैं सर, आज शपथ ली है राज्यसभा की, किस तरीके से सर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मौका दिया सर। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ऊपरी सदन में भेज के एक बहुत बड़ा सम्मान, देश के पिछड़ों को, विश्वकर्मा समाज के कारीगरों को, मजदूरों को, ये सबको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा विज़न है मोदी जी का, मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का। उसमें उस विज़न को अगर कोई साकार करेगा तो ये दस्तकार वर्ग ही करेगा। और कौशल भारत का जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसको अगर कोई सपने को साकार करेगा तो ये दस्तार वर्ग ही करेगा। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरे देश में पहुँचाने का एक मौका मिला है। एक ऊपरी सदन के सदस्य के नाते मैं पूरे देश में उनके इस विजन को पहुँचा सकूँगा, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मैं जमीनी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं छात्र जीवन से लेकर आज 45 साल का राजनीतिक सफ़र करके इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को, विचारधारा को भी एक धन्यवाद देता हूँ। सर, चूंकि हरियाणा में एक बड़ौदा उपचुनाव है, आप क्योंकि एक्सपीरियंस काफी लीडर हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास ये पहले भी सीट थी और अब भी जो है कांग्रेस के पास ये सीट रहने वाली है। देखिए, कांग्रेस
अपना दावा करती है, करे तो सबको अधिकार है। एनएलओ जिसका केवल मात्र एक सदस्य है विधानसभा में, वो भी दावा करते हैं कि हम इस सीट को जीतेंगे, तो दावा करने का तो सबको हक है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने बड़ौदा का तकरीबन अक्षेत्र का अब से पहले दौरा कर लिया है और लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो यही हैं कि हम बीजेपी जो भी कैंडिडेट उतारेगी मैदान में उसी को इस चुनाव में वोट देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो पूरे हरियाणा में समान विकास और सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान इस चिंतन के साथ जो प्रदेश में काम किया है वो लोगों की तरफ एक बहुत बड़ी अपील गई है वो। और विशेष तौर पर मनोहर सरकार में जो नौकरियां पारदर्शिता से मिली हैं, क्योंकि हरियाणा में नौकरियों का भी एक उद्योग था, इंटरव्यू के पैसे अलग, रिटर्न के पैसे अलग, अच्छी तरह अच्छी जगह अपॉइंटमेंट के पैसे अलग, पिछली सरकारों में ये चलता था। लेकिन आज HCS तक की नौकरियां, जिनकी रिश्वत कभी कभी करोड़ों में चलती थी, आज ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को मिल रही हैं योग्यता के आधार पर। ये बहुत बड़ा मैसेज हर आदमी के अंदर है कि अगर योग्यता को अधिमान दिया जाता है तो बीजेपी सरकार में दिया जाता है। तो जिस तरह से जींद उपचुनाव में वो इनेलो की सीट थी और हमने उसको जीता, तो उसी प्रकार ये भी हम उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि आगे 4 साल तक फिर हमारी ही सरकार है और लोगों ने विकास के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि आने वाले समय में राज्यसभा में हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे और बड़ौदा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। जी हाँ, तो सियासत की हर हलचल हर गतिविधि सियासी गलियारे के जरिए हमने आज तक पहुंचाई। आज की इस पेशकश में बस इतना ही, कल कुछ और सियासी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।